बर्थडे आउटफिट के लिए टकराओगे टकराओगे पीछे। तो देखते हैं वहाँ कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। चले अभी पता है बी वोल्ट लॉटी हूँ मैं, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, बोरिंग रोड में एक शॉप है, और अगर यहाँ नहीं मिला मेरे बर्थडे एप्रोप्रिएट ड्रेस तो फिर मैं जाऊँगी खेतान मार्केट, वहाँ तो पक्का मिलता है। अरे हम लोग बाथरूम की तरफ क्यों जा रहे हैं? आई डोंट नो, चलो वापस। मतलब व्लॉग बनाने के चक्कर में हम लोग कहीं भी घूम जाते हैं ना, और हम दोनों क्लास लेकर आ रहे हैं इसलिए नीलाब इस वाले आउटफिट में है और मैं भी ऐसे ही हूँ। और ये देखो आप कितना प्यारा लगता है यार सिटी सेंटर। H&M कहाँ पे है पता है? मैं तो इतने बार आने के बाद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, अकेले आऊँगी तो मैं कोई शॉपिंग नहीं कर पाऊंगी, सच्ची घूमते रह जाऊंगी पूरे दिन। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है वापस मेरे पक्का तुम्हारा ये वॉइस सुन के ना बहुत लोग अनसब्सक्राइब मारेगा, कोई नहीं मारना, देख लो कितना प्यारा है। झूला लग रहा है, ये बच्चों का सेक्शन है ना? नहीं लग रहा है, झूला सेक्शन नहीं है। आगे भाई H&M देखते हैं हमारे लाइक कुछ मिलता है। अरे फिर मैं हमारे लाइक क्यों बोल रही हूँ, मेरे लाइक कुछ मिलता है कि नहीं? जाओ जाओ भाई H&M में, फुटेज 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 चाहिए इस लड़की को, फुटेज। मेरे को यहाँ भी होप कम लग रहा है कि मिलेगा, क्योंकि कुछ भी कलेक्शन मुझे दिख नहीं रहा है जिस टाइप का मुझे चाहिए, बहुत ही सिंपल सिंपल लग रहा है, बट देखते हैं यार। आ जाओ देख ही लेते हैं, कुछ मिल जाए तो ठीक ही है। ये मैं अपने बर्थडे में पहनूंगी। देखे देखे देखे, वाह भाई वाह, यही सब दिखाओ। बढ़िया प्यारा तो है यार, ट्राई कर सकते हो पैंट के ऊपर, जींस के ऊपर, वही जींस के ऊपर, ये तो नाइटी है भाई। गाउन थोड़े ना, ये देखो घोड़ा का जूता भी यहाँ रखा हुआ है, आप देखो घोड़ा का जूता, यही ले गई थी मैं H&M से और यहीं से ले गई थी, जो कि बहुत ही प्यारा है, यही लेके गई थी। बर्थडे के दिन पहन सकती हूँ ना अगर नहीं कुछ मिले तो? हाँ यस, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। हाँ ठीक है चलो वापस, चलो हो गया शॉपिंग, चलो यही चलते हो। देखने में भाई इतना टाइम लगाती है ना, वो ट्राई करो ना जो निकाली थी एक बार, ट्राई करने में क्या टाइम है। अभी ड्रेस ढूंढ रही, ड्रेस ढूंढना नहीं हो रही है। ये पर्दा कहाँ से उठाई हो? पर्दा कहाँ से उठा ली भाई? देखो यार H&M में भी कुछ नहीं मिल रहा, ओ माय गॉड, अब शिल्पी का बर्थडे शॉपिंग नहीं हो पाएगा, ओ माय गॉड, अब शिल्पी का बर्थडे शॉपिंग नहीं हो पा रहा। वो भैया से पूछिए कि भैया कहीं स्लिम फिट लॉन्ग में कुछ मिलेगा कि नहीं, तो भैया अब ले जा रहे हैं इसको। इसमें देखिए पसंद आता है कि नहीं, वो सबसे बड़ा टास्क है। नहीं पसंद आया तो सारे पैसे वापस लग क्या रहे एकदम सिंपल से निकले। पार्टी में रखना वहां मेरे सामने, बहुत मुश्किल है सेट करना, बहुत मुश्किल हो रहा है ढूंढना क्योंकि यहां पे मिल नहीं रहा है, और मैं ऐसा कुछ लेके जाने वाली नहीं हूं, ये बहुत खराब है, नहीं अच्छा लग रहा है। I don't like blinky blinky. नहीं नहीं नहीं, H&M में भी हम लोग को नहीं मिला तो यहाँ पे भी फेल हो गया। नहीं नहीं यार देखो जो शिल्पी के लिए मिल रहा है ना वो शिल्पी के साइज से ज्यादा बड़ा है, इसके सामने है Calvin Klein, चल सकते हैं। हम लोग Calvin Klein में जा रहे हैं जहाँ पे सुंदर सुंदर स्त्रियाँ होती हैं, जहाँ पे मेरा मन बहुत ज्यादा, स्त्रियाँ ही सुंदर होती हैं, कपड़े सुंदर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं लेकिन श्रेया शिल्पी से ज्यादा सुंदर है, मेरे को दूसरे ऑप्शन ढूंढने होंगे। हम लोग H&M के बाद H&M के बाद Calvin में भी गए, वहाँ भी इसको नहीं पसंद आया, शिल्पी को ऐसा चाहिए लेकिन शिल्पी छोटी सी पड़ जा रही है सारे ड्रेस के सामने। अब मैं थोड़ी सी उदास हो गई हूँ कि पता नहीं मेरे बर्थडे के लिए आउटफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। H&M में भी नहीं मिला, बिबोर्ड में भी नहीं मिला, Calvin में भी नहीं मिला, अब लास्ट ऑप्शन बचा है खेतान मार्केट। चलो ऊपर ऊपर देखते हैं ऊपर मिले कि नहीं, कितना बड़ा सिटी सेंटर है, लेकिन इतने बड़े सिटी सेंटर में छोटी सी शिल्पी के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। सिटी सेंटर में ना अभी कोई भी न्यू कलेक्शन नहीं आया, मैं पिछले बार जो कपड़ा लेकर गई थी ना वो सेम वैसा ही वैसा लगा हुआ है, कुछ भी नया नहीं लगा हुआ है ना नीला? क्योंकि ये रोड वाला मार्केट नहीं है, 200-200-200 जो चेंज करते रहेगा, ये ब्रांडेड है वही रखेगा दोबारा, तो ये लोग एक टाइम पीरियड के बाद चेंज करते हैं, ऐसे थोड़ी है कि शिल्पी अभी ले गई है फिर कल आएगी तो चेंज। अच्छा कल नहीं, मैं तो कितने दिन बाद आ रही हूं। छोटी हो गई शिल्पी, ए छोटी सी शिल्पी, ए छोटी सी।
अब ये स्टाइल मारेगा। मुझे बोला शिल्पी थोड़ा फोन पकड़ना, मैं स्टाइल मारूंगा। क्या करने वाले हो ना, स्टंट करके यहाँ से कूद कर दिखाने वाले हो क्या? यहाँ से कूद जाएंगे तो एक आईफोन गिफ्ट करोगी? पक्का पक्का। हाँ तुम कूद कर दिखाओ। हाँ लेकिन आईफोन लेने लायक फिर यहाँ से कूदने के बाद रहना चाहिए, ठीक है? हाँ मेरे डबल खर्च मत बैठाना। पक्का कूदने वाले हो क्या? चलो मैं भी देखती हूँ। गेट सेट गो। नीलाब फुल प्रिपेयर हो चुका है यहाँ से कूदने के लिए। अरे 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 हकीकत में मत बदलना नीलाब, फिर तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ भी ब्लॉगिंग हो रहा है गाइस। यहाँ से आप कुछ ले सकते हो, मेरे बर्थडे में आप सुंदर नहीं दिखोगे? हम बहुत सुंदर हैं। ओह माय, कैसा। एक तो ये पता है, ये अपना जो बाल काट लिया था ना खुद से, उसके बाद इसका बाल ही नहीं बढ़ रहा है। भगवान भी बोल रहे और गुस्सा दिखाओ बाल के ऊपर। एकदम खराब हो गया इसका बाल। ये मेरे लिए। तो अब नीलाब आया है बॉयज कलेक्शन देखने के लिए। चलो H&M में ही, गर्ल्स का अलग बॉयज का अलग था। तो ये देख लो नीलाब क्या कर रहे थे आप, एक बार करना। नाइस नीलाब, बस कुछ नहीं लेकर जाएगा, मुझे पता है। इसका तो मेरे से भी ज़्यादा ड्रामा रहता है। ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, कुछ नहीं पसंद। और ये मुझे आते के साथ बोल रहा है कि मुझे तो H&M का कुछ पसंद ही नहीं आता। नीलाब ये क्या था, लाए और तुरंत बाहर, ये क्या था और क्यों था? नीलाब मिश्रा उधर दिखाना जरूरी था, उसमें एक सेकंड उधर दिखा के क्या कर ली? अरे वो तो कुछ दिखा दिए ना हम। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ओह गॉड, मेरा फोन पटका गया था अभी अपने आप, और ये सब हुआ नीलाब मिश्रा के कारण। अभी मेरा फोन पटका गया था बहुत तेज, टूटा फूटा नहीं वो दिखाना होगा। ओह मैं बस गिरू ना। चलो सुनो, रेस लगाते हैं जो सबसे पहले ऊपर पहुंचे। सुनो ना, एक बार फोन पटकाया है, दूसरा बार पटकाएगा तो बच्चे का बनी इंश्योरेंस भी नहीं। इंश्योरेंस बोल, इंश्योरेंस भी नहीं है। इंश्योरेंस भी नहीं क्या? मैं बोली ना इंश्योरेंस भी नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है। क्या होता है? अरे सिखा दो ना क्या होता है इंश्योरेंस बोलने। नहीं भीड़ देखने को मिल सकती है। प्लीज प्लीज बताओ ना क्या होता है इंश्योरेंस। इन इंश्योरेंस, 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 इंश्योरेंस। अरे यार नहीं आ रहा है बोलने। इंश्योरेंस जो भी हो, समझ गए हो ना आप लोग, बस हो गया। इतना ज्यादा बेइज्जती करवा ली मैं, इतना ज्यादा बेइज्जती करवा ली मैं। इंश्योरेंस 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 जो भी हो उसके चक्कर में। नीलाब क्या हो गया, क्यों भाग दौड़ रहे हो? काहे का ये लगा हुआ है, चालू ही नहीं हो रहा है? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा था। आय हाय थक गई मैं, तो थक गई भाई साहब। सड़ा हुआ मुंह आ रहा था एकदम गंदा गंदा। सच्ची में थक गई। पावर नहीं है पावर। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे टाइम जोन। चलना टाइम जोन। यस रोज दे कार्ड 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 लेकर आ गए तो पक्का जाती, बट अभी लेकर आई नहीं हो तो फिर हम लोग नहीं जाने वाले। हम लोग ऐसे ही टहलना मार रहे इधर से उधर, क्योंकि मेरा भी कुछ नहीं मिल रहा है, नीलाब का भी कुछ नहीं मिल रहा है। नीलाब खिदान मार के चलते ना, काम धंधा भी हम लोग के पास है नहीं। अरे काम तो इतना है कि काम ही नहीं हो पाता, टाइम ही नहीं मिल पाता। ऐसा कौन सा काम है कि काम के लिए टाइम नहीं मिल पाता? सच में काम बहुत है नीलाब। अभी देखिए ये ब्लॉग को भी यहाँ से जाने के बाद एडिट करना होगा, तो काम हुआ ना। ये कैंडी लेना नीलाब, सच में बहुत ज्यादा महंगा होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसलिए क्या करे ना, पैसा नहीं मेरे पास। चल निकल आगे, चल निकल आगे। हम दे ही देंगे तो फिर हम तुमको क्यों बोल रहे खरीद दो। फालतू का ही ब्लॉग बन रहा है ना। अच्छा वेफल्स खाए आप लोग? हाँ खाए हैं, पैसा बर्बाद चीज है। हाँ और दुकान के मुंह पे जाके बोल रही है कि पैसा बर्बाद चीज़ है वेफल्स। तो अभी हम लोग डी कैथलॉन आ चुके हैं और यहाँ पे
वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम लोग छुप छुपा के वीडियो बना रहे हैं। अगर पकड़े गए आउटडोर में सच में शूट करना बहुत मुश्किल होता है। अब गाइस नीलाब अभी अपने लिए सीक्रेट चीज देख रहा है, मैं दिखाऊं क्या? देखो ये खुद के लिए देख रहा है। दो सौ निन्यानवे का छोटा वाला छड्डी, 299 लोएस्ट प्राइस बेस्ट वैल्यू। ये देखिए क्या कर रही है, रख रही है पैकेट में, पॉकेट को पैकेट बोलती है। वाह, अरे यार कितना गलती निकालोगे तुम लोग। चलो अब ये ट्राई करेगी ये वाला इक्विपमेंट। हाँ चलो, वेरी गुड। चलो आगे 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 आगे, उल्टा नहीं, आगे आगे बढ़। हाँ जल्दी जल्दी, पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं है, पावर लगाइए लेग से, पावर ही नहीं है, पावर ही नहीं। और आई है जिम करने, डेकाथलॉन वो भी फ्री का जिम, तो क्यों नहीं कर पाई? अच्छा साइकिलिंग, साइकिलिंग भी करी लीजिए, साइकिलिंग करना है। हाँ हाँ जाओ जाओ, अब जा रही है साइकिलिंग करने, आ जाओ साइकिलिंग के लिए, आओ ना कोई भी, यही आओ ना। चलो 1 2 3 गो, ये इजी है ना। चलो आधे घंटे, 1 2 3 4 5। गाइज अब नीलाव जिम करेगा, डिकैथलॉन में ही जिम करके दिखाएगा, लेकिन उठ नहीं रहे थे। क्या नीलाव, नाम डुबा दिया तुम तो मेरा यार। कुछ हो रहा है, कितने के जी का 7.5, ये भी नहीं उठ रहा है, मैं उससे उठेगा, आप उठा ना, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। गाइस ये 2200 के एको डंबल है, अगे मैया का, ये 2200 का है। मेरे पास ऐसा ऐसा दो डंबल घर में रखा हुआ है जो कोलैबोरेशन में आया था, है ना नीलाव, फ्री में आया था, फ्री में, जो कि हम लोग यूज भी नहीं करते, बस रखा हुआ है। नीलाव फिर से बैट बॉल खेलने का इरादा है क्या? एक जमाने में नीलाव अच्छा बैटमैन हुआ करता था, है ना, फिर एक जमाने में एक अच्छा स्केटर भी हुआ करता था। तो ये हमारे एक भाई मिल गए, हेलो भाई, तो ये एक भाई मिल गए हैं जो कि शिल्पी राज व्लॉग को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और भाई कैसा, देखो कर भी दिया, कर भी दिया, कैसा लग रहा आपको? सब्सक्राइबर बढ़ गया मेरा, 4 लाख होने वाला है अभी, मेरे बर्थडे के दिन हम 4 लाख का सेलिब्रेशन भी करेंगे, टारगेट दिया, सही बात है, मेरे को 11 दिसंबर से पहले एनी हाउ 4 लाख कम्प्लीट करना है। आप 4 लाख नहीं हुआ तो यही गली आएगी आप सबको, वो हो जाएगा पक्का। अभी नीलाब ये सिखा रहा है कि व्लॉग कैसे बनाते हैं, मतलब क्या अपना बिजनेस स्टॉप कर दो तुम, बताओ बताओ। अब इनको भी सीखना है कि व्लॉग कैसे बनाते हैं, इधर मेरे व्यूवर्स को भी सिखा दो, तो कुछ बोलो। हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल। हेलो गाइस कैसे हो आप लोग, तो आज हम लोग फिर से भाई के चैनल पे आ गए हैं, और भाई अभी डिकैथलॉन में खड़ा है, तो कैसा लग रहा है आपको, जल्दी बताओ। क्या हो गया नीलाब, लाइफ में शांति का एक्सपीरियंस कर रहे हैं? पहले तुम जमुआई ले लो, जमुआई ले लो, जमुआई जमाई राजा। तो डिकैथलॉन से बाहर आने के बाद हम लोग एकदम शांत होके 2 मिनट बैठे हैं, लाइफ में आगे क्या करना है, क्या कर रहे हैं, वो सब सोचें थोड़ा सा, समझे आप लोग, आप लोग की थोड़ी सी शांति के लिए शांत जगह पे बैठा करो। पहले मैं पता है शा को सब शानदार, अब मैं अच्छे से बोलती हूँ क्योंकि मुझे नीलाब सिखाया है स और श में अंतर। रात में सिटी सेंटर कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा। तो गाइस बर्थडे का शॉपिंग तो हुआ नहीं, तो हम लोग सारा नाटक करके घर जा रहे हैं फाइनली। कुछ भी नहीं मिला यार, इतने देर हम लोग इधर उधर देखे फिर भी कुछ नहीं मिला, तो कल हम लोग जाएंगे खेतान मार्केट, वहाँ से मुझे लेना है गाउन या फिर लॉन्ग वन पीस लूँगी मैं, कुछ भी पसंद आया तो या कुछ भी मिल गया तो। फिलहाल तो चलते हैं घर एंड ब्लॉग को करते हैं पे एंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाय बाय।